अब खबर है भद्रावती तहसील से, जहां विरोधी पक्ष नेता विधायक विजय वडेट्टीवार तथा विधायक प्रतिभा धानोरकर की उपस्थिति में तहसील में बाइक नाट्य प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तहसील के किस परिसर में इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जानते हैं इस खबर में। आठ नौ बजे तक पूर्त फिर भद्रावती तहसील में सुप्रसिद्ध गायक कलाकार तथा निर्माता निर्देशक अनंत वनकर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर की स्थापना कर इच्छुक नवोदित कलाकारों को अभिनय के प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर प्रदान करके दिया है और उनके प्रयत्न को निश्चित रूप से बड़ी सफलता प्राप्त हो और प्रशिक्षण केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार तैयार हों और विश्व में नाम रोशन करें, ऐसा प्रतिपादन विधायक प्रतिभादाई धानोरकर ने व्यक्त किया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इंटरनेशनल कल्चरल सेंटरचं रितसर उद्घाटन या ठिकाणी झालं असं मी पहिल्यांदा जाहीर करते आणि फार जास्त न बोलता कारण मला सुद्धा नाटकाच्या उद्घाटनाला जायचं आहे। आपल्याला माहित आहे हा महाराष्ट्र शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे आणि विशेषतः चंद्रपूर जिल्हा हा लोककला लोककलेचा वारसा लाभलेला जिल्हा आहे आणि त्यातल्या त्यात अष्टपैलू असे अनिरुद्ध भाऊ सारखे कलाकार या जिल्ह्याला लाभले हे आम्ही आमचं भाग्य समजतो। त्यातल्या त्यात या टाकडी गावासारख्या ठिकाणी त्यांनी या सेंटरचं उद्घाटन केलं। नक्की त्यांच्या या सेंटरमुळे आजूबाजूच्या सगळ्या भागातील अनेक कलाकारांना प्रोत्साहन मिळेल, अनेक कलाकार या ठिकाणी निर्माण होईल आणि नक्कीच त्यांचं हे सेंटर भविष्यात एक नावाजलेलं इंटरनॅशनल सेंटर म्हणून भद्रावती तहसील के टाकड़ी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर इस नाट्य प्रशिक्षण संस्था का विधायक प्रतिभादाई धानोरकर के हाथों तथा विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार के हाथों उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर अन्य मान्यों में भारत सरकार सीआरटी के चेयरमैन डॉक्टर विनोद इंदुरकर, नाट्य विभाग के पूर्व संचालक डॉक्टर नीलकंठ कुलसंगे, नांदेड़ के बापू साहब गजभारे, यवतमाल के इंजीनियर भास्कर चौहान, चंद्रपुर के डॉक्टर ईसा दास भड़के, अनंत वनकर, पूर्व महापौर संगीता अमृतकर, गोपाल अमृतकर, कुशल मेश्राम, सुरेंद्र रायपुरे, कनके सर शंकर मून, सरपंच प्रवीण बांदुरकर, अजीत फालके आदि मान्यवर मंच पर उपस्थित थे। इस मौके पर अनंत वनकर ने मुख्य दिग्दर्शक किए हुए गोडाना महायोद्धा क्रांतिवीर बाबूराव शेणमा के इस नाटक का बिना मूल्य प्रयोग प्रस्तुत किया और इस मौके पर विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने भी अपने मनोगत में जिवंतपणा ज्यामध्ये आहे, जिवंतपणा कलाकारामध्ये सुद्धा कलाकार असतात पण जिवंतपणा नसतो, तो जिवंतपणा इसादस साहेब त्यांच्यामध्ये मला दिसतो। नवीन नवीन कल्पना, नवीन नवीन विषय आणि या झाडीपट्टीमध्ये हा कलावंत गायनापासून तर नाट्य कलावंतापर्यंतचा प्रवास, तिथून साहित्यिक पुस्तक लिहिण्यापर्यंतचा प्रवास, त्याच निश्चितच या विदर्भाच्या मातीमध्ये असे काही हिरे होतात, त्यातील एक हिरा म्हणून मी आमच्या अनिरुद्ध भाऊ वनकर कडे बघतोय। हा हिरा निश्चित या विदर्भाला महाराष्ट्राला सांस्कृतिक वारसा जपण्याचं काम करेल, वाढवेल आणि या मातीतील पुरोगामी विचार शेवटपर्यंत जिवंत ठेवेल हा मला विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतोय। खर तर काय बोलावं आणि किती बोलावं, वेळेचं नाटकाचं जरा तुम्ही बघणार आहात, नाटक बघायला सुद्धा आलात, सुंदर असं नाटक या ठिकाणी। बाबासाहेबांचे सुद्धा तीन गुरु होते सगळ्यांना माहिती आहे, पहिले गुरु बाबासाहेबांचे तथागतच होते आणि म्हणूनच ज्या वेळेस बिना शस्त्राने जी क्रांती धर्माची केली अनिरुद्ध वनकर के कार्य की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन मंगेश मिश्राम, प्रास्ताविक अनिरुद्ध वनकर तथा उपस्थितों का आभार प्रवीण भसारकर ने माना। इस कार्यक्रम में टाकड़ी के तथा तहसील के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि जावेद शेख की रिपोर्ट।